थैंक यू विनय। विनय मुझसे बहुत प्रेम करता है, तो आप इसकी बातों का विश्वास मत करिए। ये मेरी प्रशंसा कुछ अधिक कर देता है। अगले 1.5-2 घंटे हम साथ में रहेंगे, तो एक दूसरे से कुछ सीख सकें, आपको बेहतर टीचर बना सकें, बेहतर शिक्षक बना सकें। इस संकल्प के साथ एक प्रार्थना से आज का ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो आप जहां भी हैं अपने आप को पहले तो म्यूट कर लें, क्योंकि प्रार्थना में आपको आंखें बंद करना है 30 सेकंड। गहरी सांस लेकर सांस छोड़ते समय 3 बार ओम का उच्चारण करना है, और इसके बाद एक वैदिक प्रार्थना मैं करूंगा जिसे आप मेरे पीछे रिपीट करो, पर अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप को आप म्यूट जरूर कर लें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, सांस छोड़ते समय 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद आंखें बंद रखेंगे, मैं एक वैदिक प्रार्थना करूंगा, आप पीछे उसको रिपीट करोगे। ये वैदिक प्रार्थना मेरे पीछे रिपीट करिए। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, गमय। ॐ शान्ति 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 शान्ति, शांति शांति शांति। अब आंखें खोलिए। ये जो प्रार्थना हमने साथ मिलकर की, हमारी संस्कृति में भी यह प्रार्थना, जब आप जीवन में कोई नई बात सीखने जाते हो, नया ज्ञान अर्जित करने जाते हो, तो प्रार्थना के संकल्प के साथ नया ज्ञान सीखने से पहले ये संकल्प किया जाता है, ये प्रार्थना की जाती है। और इसके बहुत गहरे कारण हैं कि क्यों ये प्रार्थना नया ज्ञान सीखने से पहले करनी चाहिए। एक तो चाल है, ओम का उच्चारण किया 3 बार, ओम पर तो एक पूरा उपनिषद लिखा हुआ है, ऋषियों ने सारा का सारा उपनिषद केवल ओम के मंत्र को समझाने के लिए, उससे भी अधिक अर्थ है। 2-3 अर्थ समझाऊंगा आपको, ताकि बात स्पष्ट हो, फिर हम आगे बढ़े। ओम को आदिस्वर कहा ऋषियों, ईश्वर की ऊर्जा एनर्जी, जब ब्रह्मांड के पदार्थ में परिवर्तित हुई, मैटर में परिवर्तित हुई, तो एनर्जी और मैटर के बीच का पुल, ये आदिस्वर ओम है, ये आदिस्वर ओम है। आज भी आप अंतरिक्ष में जाओ और धरती की अपने भूरी पर घूमने की ध्वनि सुनो, नौ ग्रहों के चारों ओर घूमने की सोलर सिस्टम में उसकी ध्वनि सुनो, या सोलर सिस्टम की गैलेक्सी में घूमने की ध्वनि सुनो, तो वो ध्वनि कुछ ओम
ऐसी है, ऐसी है आदि स्वर, तीन स्वरों से मिलकर ओम आ से ब्रह्मा, आ से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु, ऊ से विष्णु से महेश, ऊ से महेश, सर्जन से विसर्जन तक की सारी क्रियाओं को ऋषियों ने एक मंत्र ओम में डाल दिया, ओम में डाल दिया। सर्जन के लिए बुद्धि चाहिए, इसलिए बुद्धि की देवी सरस्वती को ब्रह्मा की पत्नी बना दी। चलाने के लिए धन चाहिए, इसलिए पालन के देवता विष्णु को बना दिया। और विसर्जन के लिए शक्ति चाहिए, तो शक्ति दुर्गा काली को। बहुत गहरे आप मुंह खोलते हो तो सबसे पहला स्वर आ का निकलता है, मुंह बंद करते हो तो अंतिम स्वर इन का निकलता है। तो मुंह के बंद करने से लेकर मुंह के खोलने से लेकर मुंह के बंद करने तक जितना भी ज्ञान, जो भी स्वर आप निकाल सकते हो, वो सारे स्वर एक मंत्र ओम में समाहित है। ये एक और अर्थ है। ऐसे कई सौ से भी अधिक अर्थ है। इसलिए ओम का तीन बार उच्चारण संकल्प की बिगिनिंग में, और फिर वैदिक प्रार्थना जो हमने की, असतो मा सद्गमय, असत का अर्थ है असत्य और सत का अर्थ है सत्य, कि हे ईश्वर मुझे असत से सत्य की ओर लेकर चलो। क्यों कहा ऋषियों ने कि नया ज्ञान सीखने से पहले यह संकल्प आवश्यक है? इसलिए कहा क्योंकि ये जो ब्रह्मांड, ये जो विश्व हमारे चारों ओर है, ये वास्तव में असत्य है। हम इस असत्य को सत्य समझने की भूल करते हैं और सत्य को मिस कर देते हैं, देख नहीं पाते। दो तीन उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करूंगा। आप बाहर पृथ्वी को देखिए, फ्लैट नजर आएगी, सपाट नजर आएगी। 300 साल पहले तक साइंटिस्ट भी समझते थे कि पृथ्वी फ्लैट है, सपाट है। और ज्योग्राफी के लिए हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, संस्कृत में, किसी भी भारतीय भाषा में ज्योग्राफी के लिए क्या शब्द है? भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब राउंड। हजारों वर्ष पहले ऋषियों को पता था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए एनवायरमेंटल साइंसेस के सब्जेक्ट का नाम उन्होंने दिया भूगोल। पर हमें पृथ्वी गोल दिखाई नहीं देती, हमें पृथ्वी फ्लैट दिखाई देती है। यह है असत्य को सत्य समझने की भूल करना, सत्य को मिस कर देना, नहीं देख पाना। किसी की शर्ट नीले रंग की है, हमें नीला रंग दिखाई देता है। सत्य यह है कि सफेद प्रकाश के सात रंग उस शर्ट पर गिरते हैं, तो उन सात रंगों में से केवल नीला एक रंग है जो उस शर्ट ने स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। बाकी छह रंग उस शर्ट में रहते हैं, हमें वो छह रंग दिखाई नहीं देते, उस शर्ट का हिस्सा है। हमें वो एक रंग नीला दिखाई देता है जो उस शर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। ये है असत्य को सत्य समझने की भूल करना, सत्य को नहीं देख पाना। हम सवेरे रोज सूर्य को पूर्व से उगता हुआ देखते हैं, शाम को पश्चिम में जाके ढल जाता है। और सत्य यह है कि सूर्य न उगता है न ढलता है, सूर्य स्थिर है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, हमें पृथ्वी घूमती हुई दिखाई नहीं देती पश्चिम से पूर्व की ओर, हम सूर्य को घूम पूर्व से पश्चिम की ओर। यह है असत्य को सत्य समझने की भूल करना, सत्य को नहीं देख पाना। इसलिए ऋषियों ने कहा, नया ज्ञान अर्जित करने जाओ तो पहले संकल्प करो असतो मा सद्गमय, कि हे ईश्वर यह ज्ञान मुझे जीवन के असत्य में सत्य को समझने की शक्ति दे। यही ज्ञान का पर्पस है। बाकी दिस इज एजुकेशन, बाकी सब क्वालिफिकेशन है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में डिग्रियां ले लेते हैं, नाम के पीछे छपा लेते हैं विजिटिंग कार्ड पर, पर वो डिग्री आपको जीवन के असत्य में सत्य समझने की शक्ति नहीं देती। असत्य में सत्य समझने की शक्ति ज्ञान देता है, एजुकेशन देता है। इसलिए किसी भी नए ज्ञान की प्राप्ति से पहले असतो मा सद्गमय, ये संकल्प आवश्यक कहा ऋषियों ने। दूसरा संकल्प, दूसरी पंक्ति है तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस का अर्थ है अंधकार और ज्योति का अर्थ है प्रकाश।
अंधकार प्रतीक है अज्ञान का और प्रकाश प्रतीक है ज्ञान का। तो वास्तविक संकल्प है कि हे ईश्वर मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चलो। क्यों कहा ऋषियों ने कि ये संकल्प नया ज्ञान सीखने से पहले आवश्यक है? इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य में एक बीमारी है और पढ़े लिखे मनुष्यों में ये बीमारी अधिक है। इस बीमारी का नाम ऋषियों ने दिया आई नो, मैं सब जानता हूं, मुझे नई बात कोई सिखा ही नहीं सकता। ये अहंकार हो हमारे थोड़े से सीमित ज्ञान का हम में, तो फिर नया ज्ञान हम में से गुजर ही नहीं सकता। ज्ञान की कृपा हो, ज्ञान की अनुकंपा हो, ज्ञान हम में से गुजरे, ज्ञान का आशीर्वाद हमें मिले। इसकी पहली अनिवार्य शर्त यह है कि हम समझें कि कुछ है जो हम जानते हैं और बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। अपने अज्ञान से परिचित होना ज्ञान पाने की दिशा में पहली सीढ़ी है। इसलिए ऋषियों ने कहा नया ज्ञान सीखने जाओ तो पहले संकल्प करो तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि ये ज्ञान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। तीसरी पंक्ति इन दोनों से गहरी, मृत्यु और मा अमृतम गमय है, कि हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमृत की ओर लेकर चलो। क्यों कहा ऋषियों ने कि ये पंक्ति ये संकल्प आवश्यक है, इसको समझाने का क्योंकि यदि ये समझाने जाऊंगा तो अगले 2 घंटे का जो समय है ये केवल प्रार्थना करने और प्रार्थना समझने में निकल जाएगा। तो इसको अभी विल ग्लॉस ओवर द मीनिंग ऑफ दिस थर्ड लाइन फॉर द टाइम बीइंग। ओम शांति शांति शांति, सारे विश्व में शांति हो। ये संकल्प नया ज्ञान सीखने से पहले आवश्यक। सुनील ने जब मुझे इस ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दूसरे नंबर की ट्रेनिंग या टीचर्स ट्रेनिंग है। पहली ट्रेनिंग मैं सारे विश्व में ट्रेनिंग करता हूं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में ट्रेनिंग करता हूं, कॉर्पोरेट्स में मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करता हूं, सोसाइटी में आध्यात्म की ट्रेनिंग करता हूं, लेकिन सबसे अधिक प्रिय मुझे 2 ट्रेनिंग। सबसे पहली ट्रेनिंग जो मुझे बहुत प्रिय है यह है पेरेंटिंग एजुकेशन, और दूसरी ट्रेनिंग जो सबसे अधिक मुझे प्रिय है वो है टीचर्स ट्रेनिंग, क्योंकि ये 2 ट्रेनिंग ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आने वाले विश्व का भविष्य तय करती हैं, ये आने वाली पीढ़ी का निर्माण करती हैं, और इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये 2 ट्रेनिंग्स हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब सुनील ने कहा कि मुझे टीचर्स की एक ट्रेनिंग करनी है 2 घंटे के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ रहकर। इतनी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग, बहुत कुछ महीने पहले मुझे एक स्कूल के टीचर्स डे सेलिब्रेशन में बुलाया गया था वहां के टीचर्स से बात करने के लिए। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, तो मैंने टीचर से प्रश्न किया पहला कि 5 सितंबर को आप टीचर्स डे क्यों मनाते हो, और टीचर्स ने उत्तर दिया कि ये डॉक्टर राधा कृष्णन का बर्थडे है, जन्मदिन है, इसलिए हम 5 सितंबर को टीचर्स, वो पहले टीचर थे और बाद में प्रेसिडेंट बने, देश के राष्ट्रपति बने, तो उसका सेलिब्रेशन हम टीचर्स डे के रूप में करते हैं। और मैंने कहा उनसे उस दिन कि कोई टीचर जीवन में आगे चल के राष्ट्रपति बन जाए ये बहुत साधारण बात है और इसका सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। टीचर्स डे का सेलिब्रेशन उस दिन होना चाहिए जिस दिन देश का राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन छोड़कर जाकर टीचर बन जाए, क्योंकि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर का महत्व एक देश के राष्ट्रपति के महत्व से बहुत अधिक है। राष्ट्रपति तो सेरेमोनियल हेड है, प्रथम सिटीजन है देश का, इससे अधिक कुछ नहीं है, पर टीचर देश के अगले आने वाले सिटीजन का निर्माण करने वाली एजेंसी है। और इसलिए शिक्षक दिवस उस दिन होना चाहिए जिस दिन देश का राष्ट्रपति 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 भवन छोड़े और जाकर टीचर बन जाए। मैं डॉक्टर राधा कृष्णन का बहुत सम्मान करता हूं, पर मैंने इस बात से अपना टीचर्स ट्रेनिंग का वहां पर ये बात से शुरुआत की, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
आप अगली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हो। कोई फैक्ट्री चलाना, उसमें कोई उत्पादन बनाना कि 100-200 पीस बना दिए और उसमें से 8 पीस 6 पीस 5 पीस खराब हो गए तो चल जाएगा, रिप्लेस कर देंगे। ये इंडस्ट्री में पॉसिबल है, ये व्यवसाय में पॉसिबल है, पर शिक्षक के लिए ये पाप है। शिक्षक जिस अगली पीढ़ी का निर्माण कर रहा है उसमें 2-4-5 यदि वो ठीक से नहीं निर्माण करे बच्चों का अगले सिटीजन्स के रूप में, तो वो 5 बेकार सिटीजन सारे देश को बर्बाद करने के लिए काफी। टीचर की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हर टीचर समझे कि उसकी जिम्मेदारी का क्या महत्व है, क्योंकि टीचर बहुत बड़ा रोल मॉडल है विद्यार्थी के लिए। आप जिस तरह से उठते बैठते हो, बोलते चलते हो, खाते पीते हो, जो आपके मुंह से निकलता है, जो आपके विचार है, वो सारे बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में बार बार हिट करते हैं। उनकी जिंदगी का, उनकी सोच का, उनके वर्ल्ड व्यू का, उनके विश्व दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। तो वो बच्चा आगे चलकर जो करेगा अपने जीवन में, उसमें बहुत बड़ा योगदान उन सारी शिक्षाओं का होगा जो उसके टीचर्स ने उसे दी। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल है और इसलिए हर टीचर के लिए आवश्यक है कि वो समझे इस रोल के महत्व को, शिक्षक के महत्व को, और उसके लिए अपनी पूरी तैयारी करे वो हर दृष्टि से। आपकी सोच परिपक्व होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सही होनी चाहिए, आपकी बोलचाल सही होनी चाहिए, आपका उठना बैठना सही होना चाहिए, क्योंकि आपकी हर क्रिया स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा है और वो शिक्षा उसके साथ जीवन भर रहेगी। तो आपको अपने प्रोनंसिएशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जिस ढंग से प्रोनंसिएशन करोगे आपके बच्चे वही सीखेंगे और फिर वो जीवन भर वही शब्द उसी ढंग से प्रोनाउंस करेंगे। बात सुनने में छोटी लगती है पर बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था 4th से 8th तक, बाद में अंग्रेजी मीडियम में गया और हिंदी में ए नाम का उच्चारण नहीं है, या तो ए है या ए है, ए नहीं है, तो बैट नहीं है, या तो बेट होता है या बैट होता है, बाइट होता है, बैट नहीं होता। या तो एक लाइन मारोगे आप या दो लाइन मारोगे, तो ए शब्द का कोई उच्चारण नहीं है, अ स्वर का कोई उच्चारण हिंदी में नहीं है। तो हमारी एक टीचर थी, वो नैपकिन को नेपकिन कहती थी, क्योंकि हिंदी में यदि आप नैपकिन शब्द लिखो तो नेपकिन लिखना पड़ता है, नैपकिन नहीं लिख सकते तो नेपकिन लिखना पड़ता है। तो शायद उन्होंने कहीं हिंदी में ही पढ़ा होगा ये शब्द नेपकिन, और वो नेपकिन कहती थी, नैपकिन नहीं कहती थी। और मेरे मन में ये प्रोनंसिएशन बैठ गया कि इसको नेपकिन कहते हैं। बहुत साल बाद जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, व्यवसाय शुरू किया, एक बार मैं दुबई गया था और वहां पर मेरे किसी बहुत बड़े कस्टमर के साथ मैं डिनर कर रहा था और वो पेपर टॉवल पेपर नैपकिन मेरे से थोड़ा सा दूर रखा था, तो मैंने अपने कस्टमर को कहा कि नैपकिन दीजिए, और उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो किसी अनपढ़ को देख रहा है, किसी गंवार को देख रहा है। आप कल्पना कीजिए कि एक गलत प्रोनंसिएशन आपके विद्यार्थी के जीवन में कितना बड़ा तूफान ला सकता है। तो आपका प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, आपका व्यवहार सही होना चाहिए, बिहेवियर सही होना चाहिए, बोलचाल सही होनी चाहिए, ड्रेसिंग सही होनी चाहिए, उठना बैठना सही होना चाहिए। आप एक भी शब्द कैजुअली नहीं बोल सकते अपने विद्यार्थी के सामने। आप यू कैनॉट अफोर्ड टू मेक ए मिस्टेक, क्योंकि वन मिस्टेक विल कॉस्ट द स्टूडेंट वेरी हेविली। तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण रोल टीचर का है। टीचर को इसलिए ये बात समझकर अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना चाहिए। एवरी टाइम यू आर विथ योर स्टूडेंट यू मस्ट बी एट योर बेस्ट।
घर में कुछ भी चल रहा हो, आपके जीवन में समाज में कुछ भी चल रहा हो, पर विद्यालय में जहां आप विद्यार्थी के सामने हो वहां यू मस्ट बी एट योर बेस्ट। आपके चेहरे का हर एक्सप्रेशन, आपके मुंह से निकला हुआ और वाक्य, हर शब्द, आपका पहना हुआ कपड़ा, आपका व्यवहार, उठने बैठने का ढंग, ये सब विद्यार्थी सीख रहा है, और इसलिए यू मस्ट बी एट योर बेस्ट। मुझे याद पड़ता है इस देश को जब बर्बाद करने की साजिश अंग्रेजों ने रची, क्योंकि 100-150 साल के बाद भी उनको लगा कि वो, उन्होंने फिजिकल रूप से तो देश को, हिंदुस्तान को दास बना लिया है, पर मानसिक दासता यहाँ के लोगों में नहीं वो डाल पाए हैं, अंग्रेजों की मानसिक दासता। तो उन्होंने रिसर्च के लिए लॉर्ड मैकाले को यहाँ भेजा, और मैकाले ने रिसर्च करके एक रिपोर्ट दी ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि हिंदुस्तानियों को मानसिक रूप से दास बनाना संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, उनके पास ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है कि उससे बेहतर ज्ञान देकर ही उनको मानसिक रूप से दास बनाया जा सकता है, और विश्व में उससे बेहतर ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बहुत स्वाभिमानी है, उनको मानसिक रूप से दास बनाना संभव नहीं है। यदि मानसिक रूप से भारतीयों को दास बनाना है तो केवल एक ही तरीका है कि उनके एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली अंग्रेजी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से रिप्लेस किया जाए, और लॉर्ड मैकाले को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह अथॉरिटी दी कि वो एजुकेशन सिस्टम भारत का सारा चेंज करे। और सबसे पहला काम लॉर्ड मैकाले ने किया कि उन्होंने हितोपदेश और पंचतंत्र की कहानियां निकाल दी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन संस्कृत और हिंदी निकालकर और भारतीय भाषाओं को निकालकर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्होंने अंग्रेजी डाल दिया, और 100-150 साल के बाद उसका असर ये हुआ कि आज हम अंग्रेजी फर्राटे से बोलने वाले को बुद्धिमान समझते हैं। नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज इक्वल टू इंटेलिजेंस, ये हमारे समझ में आ रहा है। जितनी पीढ़ियां निकली है अंग्रेजी मीडियम स्कूल से, उनको यह समझाया बार, यदि किसी को इंप्रेस करना हो तो आपको अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, और जितनी अच्छी अंग्रेजी आप बोल सकते हो उतना बुद्धिमान आपको माना जाएगा। तो ये मानसिक दास्ता केवल एजुकेशन सिस्टम की वजह से है जो लॉर्ड मैकाले ने डाली थी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि टीचर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आने वाली देश की आने वाली पीढ़ी को सही ढंग से तैयार। तो पहला जो काम टीचर को, हर टीचर को करना चाहिए, वो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, स्वयं को ट्रांसफॉर्म करना। इस देश में टीचर की कल्पना संकल्पना बहुत अलग है, यहाँ शिक्षक को बहुत अलग रूप में देखा गया है, शायद केवल यही एक देश है जहां विभिन्न लेवल्स और विभिन्न स्वरूप डिफाइन किए गए हैं। बहुत ऑर्डिनरी लेवल शिक्षक का है, टीचर का, अध्यापक का, ये बहुत ऑर्डिनरी लेवल है, और अध्यापक के साथ विद्यार्थी होता है, अध्यापक विद्यार्थी को इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, और ये बहुत लो लेवल की टीचिंग है। ऋषियों ने कहा कि अध्यापक को धीरे धीरे आचार्य बनना चाहिए, क्योंकि आचार्य जब वो बन जाता है तो उसका विद्यार्थी उसका शिष्य बन जाता है, और आचार्य अपने शिष्य को सूचनाएं नहीं देता, आचार्य अपने शिष्य को ज्ञान देता है, वो जीवन की घटनाओं से, एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों से शिष्य को ज्ञान देता है। सूचना मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, सूचना ट्रांसफर हो गई, पर आपके जीवन में कुछ हुआ और मैंने उस घटना का उपयोग करके आपको सिखाई कोई बात, ये नॉलेज है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। और आचार्य शिष्य को सूचना ही नहीं देता, वो ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। और ऋषियों ने कहा कि ये मीडियम लेवल का टीचरशिप है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचरशिप, कि आचार्य को स्वयं को गुरु में परिवर्तित कर लेना चाहिए। ये गुरु का कॉन्सेप्ट केवल इस देश में है, दुनिया के किसी देश में गुरु का कॉन्सेप्ट नहीं है। आचार्य को अपने आप को गुरु में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, परिवर्तित कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु अपने भक्त को, शिष्य फिर उसका भक्त बन जाता है, और गुरु अपने भक्त को न सूचना देता है न ज्ञान देता है,
वो उसको विजडम देता है, विवेक देता है, जीवन के हर पहलू को सही ढंग से देखने और समझने का विवेक देता है। तो अध्यापक सूचना देने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है, आचार्य शिष्य को ज्ञान देने के लिए जीवन के अनुभवों का प्रयोग करता है, और गुरु अपने आप करना पड़ता है। गुरु की उपस्थिति ही काफी है, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश ही काफी है अपने भक्त को विवेक देने के लिए। इतनी पर्सनालिटी शिक्षक अपनी रिफाइन कर ले कि वो शिक्षक से, अध्यापक से आचार्य हो जाए, आचार्य से गुरु हो जाए, तो केवल योर प्रेजेंस इज इनफ। इसलिए इस देश में हम गुरु से सीखने नहीं जाते, हम गुरु के दर्शन को जाते हैं कि गुरु के साथ बैठ जाए, उसकी पर्सनालिटी का प्रकाश ही हमको विवेक दे दे, हमको सिखा दे। ऐसी ऊंचाई शिक्षक को प्राप्त करना चाहिए, यह हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टीचरशिप है। क्योंकि सूचना का आदान प्रदान शब्दों से अध्यापक विद्यार्थी से करता है, ज्ञान का आदान प्रदान आचार्य शिष्य के साथ अनुभव से करता है, और विवेक की सिखावट गुरु अपने भक्त को केवल अपने प्रकाश से, अपनी प्रेजेंस से दे देता है। यह शिक्षक की हाईएस्ट रीच है, हाईएस्ट ग्रोथ है। इसलिए यू मस्ट बी एट योर बेस्ट। व्हेनेवर यू आर विथ योर स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी द बेस्ट। और वो बेस्ट तब होगा जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लोगे गुरु के रूप में। देन योर प्रेजेंस इज इनफ। जिस ढंग से आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, मुस्कुराते हो, बोलते हो, जो आपकी सोच है, जो आपका विश्व दर्शन है, जो आपकी वर्ल्ड व्यू है, ये सब आपके भक्त के लिए, आपके स्टूडेंट के लिए, आपके विद्यार्थी शिष्य के लिए, ये सब टीचिंग होगी। दैट शुड बी द रिफाइनमेंट दैट अ टीचर शुड एम टू गेट इन हिज लाइफ। और तब आप अपने विद्यार्थी को, अपने शिष्य को, अपने भक्त को जो चाहो बना सकते हो। इतनी संभावना है हर विद्यार्थी में कि हम उसका शायद किसी देश में, किसी स्कूल में हम उसका शायद बहुत छोटा सा परसेंटेज भी एक्चुअलाइज नहीं करते। बहुत कम हम एक्चुअलाइज करते हैं, और इसके दो ही कारण हैं, एक पेरेंट्स और दूसरे शिक्षक। क्योंकि ये दो ही एजेंसीज हैं जो अगली पीढ़ी का निर्माण करती हैं। हर शिशु जब वो पैदा होता है तो जीनियस बनने का पोटेंशियल लेकर पैदा होता है। हर विद्यार्थी को, हर शिशु को जीनियस बनाया जा सकता है यदि उसके साथ सारी बातें सही की जाएं। और इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की पहली और शिक्षक की दूसरी, ये दो ही एजेंसीज हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है। और यदि हर विद्यार्थी जीनियस नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की समझ में फेर है, और कहीं ना कहीं शिक्षकों की ट्रेनिंग में फेर है। शिक्षक को पता होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए कि हर विद्यार्थी उसके पास जो आता है वो जीनियस बनने का पोटेंशियल लेकर ही आता है। और यदि वो जीनियस नहीं बना पाता हर विद्यार्थी को, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है, कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स में कमी रह गई। थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू देने का प्रयास करूंगा इस घंटे डेढ़ घंटे की टॉक में कि हर विद्यार्थी को कैसे जीनियस बना। तो पहले जीनियस की परिभाषा करें। यदि आप किसी को पूछो कि जीनियस की परिभाषा क्या है, वो कहेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट कोई है तो वो जीनियस है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस इज जीनियस, ये साधारण मनोविज्ञान की समझ है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस को समझने के लिए पहले ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस क्या होती है, एवरेज इंटेलिजेंस क्या होती है? मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि आप में से अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होगा कि एक मनुष्य की, एक विद्यार्थी की एवरेज इंटेलिजेंस क्या होनी चाहिए। इंटेलिजेंस को मापने का यूनिट है आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, विज्ञान में, साइकोलॉजी में। एवरेज आईक्यू किसी भी विद्यार्थी की 100 होती है। 100 इज एवरेज आईक्यू। 50 से 70 के बीच में 50-70 आईक्यू हो तो ये ब्रेन इंज्योर्ड बच्चा है।
डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पैल्सी, एडीएचडी, ऑटिज्म, 94 लेबल्स हैं जो मेडिकल साइंस ने इन्वेंट किए हैं अलग अलग प्रकार की विभिन्न विभिन्न प्रकार की ब्रेन इंजुरीज के लिए। 50-70 इनका आईक्यू होता है, 70-90 आईक्यू है लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चों का। यदि आपने तारे जमीन पर देखी है तो डिस्लेक्सिया है उस बच्चे को, डिसकैलकुलाई, डिसग्राफिया, 7-8 प्रकार की लर्निंग डिफिकल्टीज है। ये 70-90 की आईक्यू होती है, 100 एवरेज आईक्यू होती है। 120-125 यदि आईक्यू हो ये बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट या सेकेंड ही आएगा। 140-150 आईक्यू हो तो ये गोल्ड मेडलिस्ट होगा, रैंक स्टूडेंट होगा, यूनिवर्सिटी पर बनेगा। और 150-200 के बीच में आईक्यू हो तो ये जीनियस है। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हर बच्चे की, हर विद्यार्थी की आईक्यू 150-200 बनाई जा सकती है। यदि पेरेंट्स को ज्ञान हो कि उनको विद्यार्थी के साथ अपने बच्चे के साथ क्या करना है, और शिक्षकों को ज्ञान हो कि उनको अपने विद्यार्थी के साथ क्या करना है, ये दो एजेंसीज हैं जो ये बिल्कुल सही ढंग से कर सकती है। हर विद्यार्थी को आप जीनियस बना सकते हो, पर केवल आईक्यू अधिक हो यह काफी नहीं है। मनोविज्ञान में तो यही कहा जाता है कि हाई आईक्यू हो तो वो जीनियस है, पर भारतीय ऋषियों ने कभी नहीं माना कि हाई आईक्यू काफी है। हाई आईक्यू आवश्यक है पर काफी नहीं है। यदि केवल हाई आईक्यू हो बच्चे में और दूसरे गुण नहीं हो तो वो बहुत डेंजरस होगा। दाऊद इब्राहिम कराची में बैठकर सारे अंडरवर्ल्ड के धंधे चलाता है। यहां पर भारत में हम अपने धंधे में बैठकर भी धंधा नहीं चला सकते, तो रिमोट कंट्रोल से इल्लीगल धंधों का व्यापार ये चलाने के लिए बहुत इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत खतरनाक है। हमारे दक्षिण में एक साहब थे वीरप्पन, 3 स्टेट्स की पुलिस उनके पीछे भाग रही, जीवन भर भगाते रहे 3 स्टेट्स की पुलिस को। बहुत बुद्धिमान, बहुत खतरनाक। हिटलर बहुत इंटेलिजेंट थे, एक पूरी पीढ़ी को, जर्मन्स की एक पूरी पीढ़ी को बेवकूफ बनाया, बहुत खतरनाक थे। 60 लाख यहूदी मारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये सब बहुत बुद्धिमान लोग हैं और बहुत ही खतरनाक लोग हैं। तो ऋषियों ने हमेशा कहा भारत में कि हाई आईक्यू होना आवश्यक है पर काफी नहीं है। यहां जीनियस की परिभाषा है कि व्यक्ति में हाई आईक्यू हो, उसमें हाई ईक्यू हो, इमोशनल क्वोशेंट हो, भावनाओं को इंटेलिजेंटली यूज करने की शक्ति हो, और हाई एसक्यू हो, स्पिरिचुअल क्वोशेंट हो, उसकी वैल्यूज सही हो, उसकी स्पिरिचुअल रूटिंग सही हो, ये जीनियस है। हाई आईक्यू प्लस हाई ईक्यू प्लस हाई एसक्यू, ये जीनियस है। तो जब 16 साल का, पहले 16 वर्षों का जो जीवन है मनुष्य का, इसमें आप हर मनुष्य को, हर विद्यार्थी को जीनियस बना सकते हो। और इसमें पहले 6 वर्ष 80% काम आईक्यू पर करना पड़ता है, 20% काम ईक्यू और एसक्यू पर किया जाता है, और 6-16 के बीच में 20% काम आईक्यू पे होगा और 80% काम ईक्यू और एसक्यू पर होगा। यह मैप है जीनियस बनाने का। पहले 16 वर्षों में, पहले 6 वर्षों में 80% काम आईक्यू बढ़ाने पर 20% काम ईक्यू और एसक्यू के बीच डालना है, और 6-16 वर्ष की अवधि में 20% काम आईक्यू को बढ़ाने का किया जा सकता है, 80% काम ईक्यू और एसक्यू को नर्चर करने का किया जाना चाहिए। यह ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले 6 वर्षों में 80% ब्रेन डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ब्रेन का वेट 400 ग्राम होता है, 6 वर्ष में उसके ब्रेन का वेट 1100 ग्राम हो जाता है, और 15-16 वर्ष में उसके ब्रेन का वेट 1250 ग्राम हो जाता है। तो 80% ब्रेन की डेवलपमेंट पहले 6 वर्षों में हो जाती है, इसलिए आईक्यू पर 80% काम करना आवश्यक है पहले 6 वर्षों में, और ईक्यू और एसक्यू के बीज डालने पड़ेंगे पहले 6 वर्षों में, तो 20% काम ईक्यू और एसक्यू पर होगा। 6-16 के बीच में 20% आईक्यू और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि उतना ब्रेन डेवलपमेंट और बचा हुआ है, पर 80% काम
ईक्यू और एसक्यू को नर्चर करने पे किया जाना चाहिए। ये मैप है जीनियस बनाने का। आज तक की एजुकेशन पॉलिसी में पहले 6 वर्षों को कभी महत्व ही नहीं दिया गया। हम फर्स्ट से लेकर ही सारे विश्व की एजुकेशन पॉलिसी देख लीजिए, केवल भारत की नहीं, फर्स्ट के बाद ही हम एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम ये सब शुरू कर देते हैं। मुझे बहुत हर्ष है इस बात का, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इसमें सिस्टम को बदलकर 2.5-3 वर्ष की आयु से ही हमने एजुकेशन को लागू कर दिया, एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया है। अब वो 10+2+3 वाला सिस्टम नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 ये एजुकेशन का दायरा है। तो 5 में क्या है, 3 लेवल प्री स्कूल के, नर्सरी, केजी और अपर केजी, उसके बाद सेकेंड स्टैंडर्ड। ये पहले 5 साल एजुकेशन के नई एजुकेशन पॉलिसी में डिफाइन किए गए हैं। इसके बाद 3 साल और प्राइमरी स्कूल के, 3rd, 4th, 5th के, इसके बाद 3 साल, 4 साल और सेकेंडरी स्कूल, 3 साल और सेकेंडरी स्कूल के, 6th, 7th, 8th के, और फिर 4 साल 9th, 10th, 11th, 12th। ये पूरी एजुकेशन पॉलिसी 15 साल की, इसमें 3 साल प्री स्कूल के इंक्लूड किए हैं। ये बहुत ही सुंदर एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है, क्योंकि पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया है देश ने, इनिशियल इयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। पहले 6 वर्षों में आप किसी भी बच्चे को जीनियस बना सकते हो, उसकी आईक्यू आप चाहे जितनी बढ़ा सकते हो। बहुत कुछ किया जा सकता है, मैं उसमें से 1-2 बातें आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। मुझे पता नहीं है कि आपके कितने प्री स्कूल टीचर्स हैं, या आपके बच्चे भी होंगे 2-3 साल के, 1-1.5 साल के, 3-4 साल के, तो आपके बहुत काम आएंगी ये बातें। 2 बातें मैं सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड बातें करूंगा, बाकी तो और बहुत सी चीजें आप कर सकते हो जो थोड़ा आगे चलकर मैं आपको समझाऊंगा। एकेडमिक एजुकेशन के 2 पिलर्स हैं, लैंग्वेज और लॉजिक। लैंग्वेज मतलब भाषाएं और लॉजिक मतलब मैथ्स और साइंस। पहले 6 वर्षों में आप यदि बालक को उसके साथ बात करते हो और वो केवल मातृभाषा ही बोलना सीखता है, तो उसके ब्रेन की लैंग्वेज एबिलिटी उतनी ही डेवलप होती है जितनी एक भाषा को सीखने के लिए आवश्यक है डेवलप होना। यदि आप पहले 6 वर्षों में बच्चे से 4 भाषाओं में बात करोगे, तो उसका ब्रेन 4 भाषाएं सीखेगा, उसके ब्रेन की लैंग्वेज एबिलिटी 4 गुना ज्यादा डेवलप। तो सबसे पहला को बच्चों के साथ ये करना चाहिए, छोटे बच्चों के साथ, कि घर में जो सबसे अच्छी हिंदी बोलता है उसको बच्चों के साथ केवल हिंदी में बात करनी चाहिए। स्कूल में जो सबसे अच्छी हिंदी बोलता है उसको बच्चों के साथ केवल हिंदी में बात करनी चाहिए। जो घर में और स्कूल में सबसे अच्छी अंग्रेजी बोलता है उसको बच्चों के साथ केवल अंग्रेजी में बात करनी चाहिए। घर में और स्कूल में सबसे अच्छी मराठी बोलता है उसको बच्चों के साथ केवल मराठी में बात करनी चाहिए। जो घर में और स्कूल में सबसे अच्छी तेलुगु, मारवाड़ी, स्पैनिश, रशियन, चाइनीज कुछ भी बोलता है उसको उस भाषा में बात करनी चाहिए। आप पहले 6 वर्षों में 10 भाषाएं सिखा सकते हो बच्चे को और उसके ब्रेन की लैंग्वेज एबिलिटी उतनी अधिक ग्रो होगी। तो कॉन्वर्सेशन पहली बात है। और मान लो आप 4-6 भाषाएं सिखा रहे हो बच्चे को और आपको लगता है कि अंग्रेजी डेवलप नहीं हो रही है, अंग्रेजी को थोड़ा और डेवलप करना जरूरी है, तब टेलीविजन का यूज कर सकते हो आप 2 साल के बाद में 1 घंटे के लिए प्रतिदिन। इस यूज का रूल क्या है, चैनल उसकी पसंद का, भाषा आपकी चॉइस। उसको पोगो देख, पोगो दिखाओ, पर आपको अंग्रेजी सिखानी है बोलना उसको, तो अंग्रेजी में दिखाओ। बार बार जो भाषा सुनता है, जो कान में से ब्रेन में आता है, वही मुंह में से बाहर निकलता है। लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग, ये तरीका है भाषा सिखाने का, बोलने की भाषा सिखाने का, स्पोकन लैंग्वेज।
मातृभाषा ऐसे ही सीखता है बच्चा, वो बार बार जो भाषा सुनता है धीरे धीरे उसका ब्रेन उस भाषा को समझने लगता है और फिर धीरे धीरे वो भाषा बोलने लगता है। तो उसके कानों से यदि एक ही भाषा जाएगी तो मुंह से एक ही भाषा निकलेगी, ब्रेन भी उतना ही डेवलप होगा जितना एक भाषा सीखने के लिए आवश्यक है। चार छह भाषाएं आप उसको सिखाओगे, ब्रेन डेवलपमेंट की लैंग्वेज एबिलिटी की डेवलपमेंट 6 गुना होगी, 5 गुना होगी, 4 गुना होगी। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है आप 2.5-3 साल के बाद बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू करो। घर पे पेरेंट्स भी सुनाए, स्कूल में टीचर्स भी सुनाए, ये बहुत अच्छा मेथड है भाषा सिखाने का। कहानियां कैसे सिखाओगे आप, कहानियां कैसे सुनाओगे? बहुत ड्रामा, एक्साइटमेंट, मिस्ट्री, नॉवेल्टी, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, ये क्रिएट करना पड़ता है छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए, तब उनका इंटरेस्ट ग्रिप होगा कहानी में। 15 मिनट की एक कहानी में आपको 6 या 7 नए शब्द डालने चाहिए जो उस बच्चे को पता नहीं हो उस भाषा के। जो हिंदी अच्छी बात करता है उसको हिंदी में कहानी सुनानी चाहिए, जो अंग्रेजी अच्छी बात करता है वो अंग्रेजी में कहानी सुनाए, जो मराठी अच्छी बात करता है वो मराठी में कहानी सुनाए, और 15 मिनट की एक कहानी में 6-7 नए शब्द डाले। आपने बहुत ड्रामेटिकली उसको कहानी सुनाई, उसका इंटरेस्ट ग्रिप हो गया कहानी में, एक नया शब्द डाल दो, उसकी कहानी अटक गई, उसको इस शब्द का अर्थ पता नहीं है, तो आपसे इस शब्द का अर्थ पूछेगा। तो कहानी के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, उसको इस शब्द का अर्थ समझाइए। ऐसे एक कहानी में प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, ग्रामर सही होनी चाहिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही होना चाहिए, और 6-7 नए शब्द उसकी वोकैबुलरी में जुड़ने चाहिए। कहानी के माध्यम से आप उसकी लैंग्वेज एनरिचमेंट कर सकते हो, और फिर उसको कहानी रिपीट करने के लिए भी कहो। जो कहानी आपने उसको सुनाई किसी भी भाषा में, एनकरेज करो कि वो रिपीट करे, वो कहानी दूसरों को सुनाए, क्योंकि जो सीखा है ब्रेन ने वो उसको बोलना भी आना चाहिए, तो उसकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, उसकी प्रोनंसिएशन इंप्रूव। तो कॉन्वर्जेशन, दूसरा टेलीविजन टू इंप्रूव एनी वीक लैंग्वेज, और तीसरा स्टोरी टेलिंग टू इंप्रूव प्रोनंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन। ये सब आप करोगे तब उसके ब्रेन की लैंग्वेज एबिलिटी कई गुना बढ़ा सकते हो पहले 6 वर्षों में। लॉजिक, साइंस और मैथ्स के लिए लॉजिक इंप्रूव करना हो, अब हमारे प्री स्कूल का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत गड़बड़ है। भाषाएं सिखाते हैं, पहले वर्णमाला सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, वो साल दो साल तो बच्चा स्ट्रगल करता है, क्योंकि उसको ए का क्या अर्थ है पता नहीं है, डी का क्या अर्थ है, जी का, एल का क्या अर्थ है उसको पता नहीं है, इट डजंट नो व्हाट दिस मींस। प्री स्कूल का बेसिक एजुकेशन का फंडामेंटल बेसिस प्रिंसिपल ये है कि यू मस्ट टीच नोन थिंग्स फर्स्ट, अननोन थिंग्स लेटर, ग्रोस थिंग्स फर्स्ट, सटल थिंग्स लेटर, रियल थिंग्स फर्स्ट, अनरियल थिंग्स लेटर। ये प्री स्कूल के बेसिक एजुकेशन का फंडामेंटल रूल है, और ABCD ये अननोन थिंग्स है, इसका कोई अर्थ नहीं है, दीज आर नॉट नोन थिंग्स। तो पहले साल दो साल वो स्ट्रगल करता है इसको रट मारने के लिए, रोट लर्निंग से सीखने के लिए, फिर इसके बाद आप फोनेटिक्स सिखाते हो, वो साल डेढ़ साल फोनेटिक्स, वो भी उसका कोई अर्थ नहीं है उसके लिए, और फिर बाद में आप लेटर्स और फोनेटिक्स ऐड करके शब्द बनाते हो जब वो बच्चा 6 साल का हो चुका है, जब वो PP2 में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहा है तब आप शब्द बनाते हो, और तब शब्दों से आप उसको सेंटेंस बनाते हो, और तब उसकी रीडिंग शुरू करते हो। उसकी लैंग्वेज लर्निंग में पहले 6 वर्ष आपने वेस्ट कर दिए। रीडिंग इज एज साइंटिफिक, एज इजी टू लर्न एज स्पीकिंग इज। तो रीडिंग भी सिखा सकते हो आप बिना वर्णमाला सिखाए, बिना फोनेटिक्स सिखाए। स्पीकिंग आप सिखा सकते हो सिर्फ उसके साथ कॉन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग, टेलीविजन से। इस तरह से भाषा सिखाएंगे पहले 6 वर्षों में, यू आर मेकिंग द चाइल्ड वेरी वेरी इंटेलिजेंट। हम मैथ्स भी गलत तरीके से सिखाते हैं नॉर्मल प्री स्कूल्स में, हम नंबर्स से मैथ्स सिखाते हैं, और नंबर्स मीनिंगलेस हैं, नंबर्स आर ओनली सिंबल्स, दे आर नॉट रियलिटी, रियलिटी इज क्वांटिटी। तो क्वांटिटी से मैथ्स सिखाना इज द राइट मेथड ऑफ टीचिंग मैथ्स।
लॉजिक और डेवलप करने के लिए आप 3.5-4 साल के बच्चे को चेस खेलना सिखा सकते हो। चेस इज ए हाईली लॉजिकल गेम। वो आधा घंटा जब आप चेस खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग लॉजिकली। चेस सिखा सकते हो, लॉजिकल पजल्स दे सकते हो। ब्रेन डेवलपमेंट का एक ही रूल है, ब्रेन ग्रोज बाय यूज। ब्रेन के जिस फंक्शन को आप जितना अधिक यूज करोगे, उतना अधिक वो फंक्शन डेवलप होगा। तो यदि आप लॉजिकल फंक्शन यूज करोगे तो लॉजिक डेवलप होगा, यदि आप लैंग्वेज फंक्शन यूज करोगे तो लैंग्वेज डेवलप होगी, यदि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के फंक्शंस यूज करोगे तो ब्रेन की मल्टीपल लैंग्वेजेस में डेवलपमेंट होगी। दिस व्हाट प्री स्कूल एजुकेशन में ये समझना हमको बहुत आवश्यक है। और फिर उसके बाद की जो प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके लिए हॉवर्ड गार्डनर ने पहली बार, एजुकेशन के प्रोफेसर थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, और एजुकेशन के प्रोफेसर हॉवर्ड गार्डनर, उन्होंने पहली बार 80s में, अर्ली 80s में मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी कि बुद्धि में केवल एक प्रकार की इंटेलिजेंस नहीं है, ब्रेन में 8 प्रकार की इंटेलिजेंस उन्होंने कही। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, 8 प्रकार की इंटेलिजेंसेस उन्होंने बताए। ब्रेन की इतने फंक्शंस हैं उन्होंने बताए, और वो फिर एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज में पहले इंटीग्रेट हुआ, अब तो भारत में भी धीरे धीरे लोग समझने लगे इस सिस्टम। पर यदि हमें सही ढंग से बच्चों के पूरे ब्रेन का विकास करना है तो हमें ब्रेन को सही ढंग से समझना पड़ेगा। दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। गॉड हैज नेवर क्रिएटेड 2 children एग्जैक्टली लाइक ईच अदर। दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, हर बच्चे की प्रतिभा अलग होती है। और अब साइंस में ऐसे मेथड्स आ गए हैं जिससे आप बच्चे की प्रतिभा का सही सही आकलन कर सको, उसको सही ढंग से समझ सको। थोड़ा सा मैं ब्रेन के बारे में आपको समझा देता हूँ, लेट इट बी जस्ट एज ए कॉन्टेक्स्ट, फिर धीरे धीरे आपको और आगे कभी अवसर मिला तो इसको और बढ़ाएंगे। ब्रेन का यदि आपने पिक्चर देखा है तो ब्रेन में 2 हिस्से हैं, बीच में लाइन होती है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, ये 2 हिस्से होते हैं ब्रेन में। सामने से पीछे तक 5 हिस्से लेफ्ट ब्रेन में, 5 हिस्से राइट ब्रेन में। यहां जो है प्रीफ्रंटल ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन प्रीफ्रंटल और राइट ब्रेन प्रीफ्रंटल। इसके पीछे पोस्ट फ्रंटल ब्रेन है, सिर के बीच में तालू के दोनों तरफ ये पेराइटल ब्रेन है, दोनों कानों के बीच में टेम्पोरल ब्रेन है, और दोनों आंखों के पीछे ऑक्सीपिटल ब्रेन है। ये मेडिकल नेम्स हैं। तो 5 ब्रेन लेफ्ट ब्रेन में और 5 हिस्से राइट ब्रेन में। दुनिया के 700 करोड़ इंसानों में जो भी टैलेंट है, जो भी प्रतिभा है, वो ब्रेन के इन 10 हिस्सों से ही कंट्रोल होती है। ब्रेन के बाहर कोई टैलेंट नहीं है। ब्रेन का हर हिस्सा अलग टैलेंट को कंट्रोल करता है। प्रीफ्रंटल ब्रेन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये मैनेजरियल क्वालिटीज को कंट्रोल करता है। प्रीफ्रंटल राइट ब्रेन लीडरशिप, दूरदृष्टि, विजनरी क्वालिटीज, इसको कंट्रोल करता है। तो मैनेजरियल क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज। पीछे का पोस्ट फ्रंटल ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, ये 10% हिस्सा पोस्ट फ्रंटल लेफ्ट ब्रेन, ये सारे स्कूल और कॉलेज की एकेडमिक एजुकेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो लैंग्वेज और लॉजिक को कंट्रोल करता है, पोस्ट फ्रंटल लेफ्ट ब्रेन। पोस्ट फ्रंटल राइट ब्रेन स्पेशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, को स्पेस को यूज करने की इंटेलिजेंस, जैसे आर्किटेक्ट्स में होती है, इंटीरियर डिजाइनर्स में होती है, और क्रिएटिविटी, नए नए आइडियाज जनरेट करने की कैपेसिटी, ये पोस्ट फ्रंटल राइट ब्रेन का गुण है। तालू के दोनों तरफ पेराइटल ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन फाइन मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है, मतलब वो चीजें जो उंगलियों से करते हैं, राइटिंग है, ड्रॉइंग है, पेंटिंग है, स्क्रिबलिंग है, कैलीग्राफी है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वालों को उंगलियों पे कंट्रोल आवश्यक है। डॉक्टर्स को सर्जरी के लिए फाइन मोटर स्किल्स चाहिए, उंगलियों पे कंट्रोल चाहिए। तो ये फाइन मोटर स्किल्स पेराइटल लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन है।
तालू के राइट साइड में पैराटल राइट ब्रेन ग्रोस मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है। ग्रोस मोटर स्किल्स मतलब वो चीजें जो हम पूरे शरीर से करते हैं, जैसे डांस है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, योग है, मार्शल आर्ट्स है, जिम्नास्टिक्स है, ये सारी चीजें जिसमें पूरा शरीर उपयोग होता है, ये ग्रोस मोटर स्किल्स का फंक्शन है तालू के राइट साइड के पोर्शन का। दोनों कानों के बीच में दो पोर्शन है टेम्पोरल पोर्शन। टेम्पोरल लेफ्ट ब्रेन ये कंट्रोल करता है सुन के समझने की क्षमता, और टेम्पोरल राइट ब्रेन ये कंट्रोल करता है बोल के समझाने की क्षमता। आंखों के पीछे दोनों ऑक्सीपिटल लेफ्ट ब्रेन ऑब्जर्वेशन देख के समझने की क्षमता, और ऑक्सीपिटल राइट ब्रेन विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन कल्पना की शक्ति। ये 10 हिस्से हैं जिनमें सारा का सारा मनुष्य का टैलेंट ईश्वर ने दिया हुआ है। इन 10 हिस्सों में हर दो बच्चे एक जैसे स्ट्रांग नहीं होते, हर बच्चे की स्ट्रेंथ अलग होती है, और हमें उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसकी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से उसको हैंडल करना चाहिए। दुनिया में असफलता का, फेलियर का सबसे बड़ा कारण यह है कि ईश्वर ने बच्चे को टैलेंट कुछ दिया है, उसने हायर स्टडीज पढ़ाई कुछ और की है, अब वो काम कुछ और कर रहा है। तो यदि आपका टैलेंट आपके काम में उपयोग नहीं हो, नित्य प्रति के काम में, तो आप असफल होगे ही होगे। जीवन में सफलता, जीवन में एक्सलेंस तब आती है जब आपको जो ईश्वर ने टैलेंट दिया है आप उसी के हिसाब से हायर स्टडीज करते हो, उस टैलेंट को और निखारने के लिए, अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए, और फिर उस टैलेंट और स्किल को अपने रोज के नित्य प्रति के काम में यूज करते हो, तब आप सफल होते हो। आपको ऐसे वकील भी मिल जाएंगे जो 2000 रुपए में 2 साल तक केस लड़ेंगे, और आपको ऐसे वकील भी मिलेंगे जो आधे घंटे की अपीयरेंस के लिए 50 लाख रुपए चार्ज करेंगे। दोनों में भेद क्या है? दोनों ने LLB की है, भेद केवल एक एवरेज वकील और एक्स्ट्रॉर्डिनरी वकील का है, ऑर्डिनरी वकील और एक्स्ट्रॉर्डिनरी वकील का है। आपको ऐसे आर्किटेक्ट मिल जाएंगे जो 5000 रुपए में पूरा बिल्डिंग का प्लान बना के देंगे, और आपको ऐसे आर्किटेक्ट मिल जाएंगे जो आपके बिल्डिंग की वैल्यू का 10% फीस मांगेंगे। दोनों ने BR किया है, फर्क क्या है? फर्क केवल यह है कि एक साधारण आर्किटेक्ट है, एक असाधारण एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्किटेक्ट है। जब भी आप अपने काम में एक्सलेंस लाते हो तो आप सफल होते हो। दुनिया में बहुत पेड़े बनाने वाले हैं, पर जालना में जो मामा के पेड़े मिलते हैं वो हमारे हैदराबाद में नहीं मिलते। जो भी काम एक्सलेंट तरीके से करता है उस एक्सलेंस में सफलता मिलती है, और एक्सलेंस तब आती है जब आप अपने टैलेंट को सही एजुकेशन से निखार कर उसको आप नित्य प्रति के काम में उपयोग करते हो। मैं खामगांव गया था थोड़े दिन पहले, और वहां एक बच्चे को मैंने देखा, उसका लेफ्ट पोस्ट फ्रंटल ब्रेन मतलब एकेडमिक एजुकेशन वाला एरिया बहुत वीक था, लॉजिक और लैंग्वेज वाला एरिया बहुत वीक था। हमने उसकी रिपोर्ट की थी वहां पर, रिपोर्ट यहाँ शेयर नहीं करूंगा, समय बहुत लग जाएगा उसमें, हालांकि मैंने तैयारी करके रखी है, पर रिपोर्ट मैं आपको बाद में व्हाट्सएप से भेज दूंगा तो आपके ग्रुप्स में आ जाएगी। तो ये एकेडमिक वाला एरिया उसका वीक था, लॉजिक और लैंग्वेज वाला, और मैनेजमेंट और लीडरशिप ये एरिया बहुत स्ट्रांग था। 14 साल का बच्चा था, 9वीं क्लास में पढ़ रहा था। मैंने उससे कहा, उस लड़के से, कि तुमको 40-50% आते होंगे पढ़ाई में। उसने कहा, हाँ सर, बस इतने ही आते हैं। तो मैंने कहा, पर उदास क्यों हो? चेहरे पे एकदम से उसका चेहरा उतर गया, उदास हो गया वो। तो मैंने उसको पूछा कि उदास क्यों? उसने कहा, उदास होने वाली तो बात है सर, मैं बहुत मेहनत करता हूं पर इससे ज्यादा मार्क्स आते नहीं है मेरे को। मैंने कहा, पर उदास क्यों? उदास होने की क्या बात है? उसने कहा, मां डांटती है घर पे, पिताजी डांटते हैं, टीचर्स डांटते हैं, मित्र मेरे मजाक उड़ाते हैं, कभी क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, मैं बहुत कोशिश करता हूं पर 40-50% से ज्यादा मार्क्स आते नहीं है। मैंने कहा, इसमें बिल्कुल उदास होने की बात नहीं है। उसने कहा, कैसे बात नहीं है सर, कैसे उदास नहीं हो, सब लोग मजाक उड़ाते हैं। और मैंने फिर उसको पूछा कि चलो तुम्हारी क्लास में सबसे होशियार फर्स्ट आने वाला बच्चा कौन है? तो उसने कोई नाम बताया मुझे।
मैंने कहा उसको क्या परसेंटेज आता है? उसने कहा आउट ऑफ आते हैं। आपके महाराष्ट्र में 100 out of 100 को आउट ऑफ बोलते हैं। उसने कहा आउट ऑफ आते हैं। मैंने कहा अच्छा, 100 में से 100 आते हैं। ओके, वेरी गुड। मान लो कि वो 10th में फर्स्ट रैंक से पास हो जाता है, गोल्ड मेडल लेके पास हो जाता है, तो फिर क्या होगा? उसने कहा फिर क्या होगा, वो प्लस टू में जाएगा, बहुत अच्छी कॉलेज में उसको सीट मिलेगी। मैंने कहा वेरी गुड। वो प्लस टू में भी यदि गोल्ड मेडल लेके पास हो जाता है तो फिर क्या होगा? उसने कहा फिर क्या होगा, वो IIT में जाएगा। मैंने कहा मान लो IIT में भी 4 साल में उसको गोल्ड मेडल मिल गया और वो पास हो गया तो फिर क्या होगा? उसने कहा उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। मैंने कहा वेरी गुड, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यदि गोल्ड मेडल मिल गया तो फिर क्या होगा? अब उसकी समझ में थोड़ा कंफ्यूजन आ गया, तो उसने थोड़ा सोचा और फिर बोला फिर उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा वेरी गुड, पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिल जाए तो उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यहां तक तो बिल्कुल सही हो। मेरा फाइनल प्रश्न तुमसे यह है कि उसको अच्छी नौकरी कौन देगा? वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर उसने सोचकर बोला कंपनी वाले देंगे। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छी नौकरी उसको कंपनी वाले देंगे। अब मुझे ये बताओ कंपनी कौन लगाएगा? उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कर दे। और तब मैंने उससे कहा कि कंपनी वो लगाएगा जिसका मैनेजमेंट और लीडरशिप का टैलेंट अच्छा है। जिसमें मैनेजमेंट और लीडरशिप है वो कंपनी लगाएगा। जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो उसके यहां काम करेगा। धीरू भाई अंबानी के पास PhD नहीं है, नहीं थी, पर 10,000 PhDs उनके पास काम करते थे। GD बिरला के पास PhD नहीं थी, JRD टाटा के पास PhD नहीं थी, वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थे, पर उनके पास हजारों गोल्ड मेडलिस्ट काम करते थे। तो एकेडमिक एक्सीलेंस एक बात है, मैं पढ़ाई बेकार ये नहीं बोल रहा हूं, पर एकेडमिक एक्सीलेंस एक बात है, लीडरशिप मैनेजमेंट का टैलेंट ये अलग बात है। तो केवल इसलिए क्योंकि एक बच्चा पढ़ाई में वीक है इसलिए हम उसका मजाक उड़ाएं, ये सही नहीं है। डोंट कंपेयर टू चिल्ड्रन, ये अत्याचार है बच्चों पर। हम कंपैरिजन में क्या करते हैं? हम किसी भी बच्चे की सबसे बड़ी कमजोरी को किसी दूसरे बच्चे की सबसे बड़ी शक्ति के साथ कंपेयर करते हैं। इससे अच्छा तरीका क्या होगा उसकी कॉन्फिडेंस को खत्म करने का? आप मछली का कंपैरिजन बंदर से नहीं कर सकते। मछली वृक्ष पर चढ़ नहीं सकती, बंदर पानी में तैर नहीं सकता। पानी में तैरना मछली की विशेषता है, वृक्ष पर चढ़ना बंदर की कला है। तो दो बच्चों को कभी कंपेयर मत करिए। ईश्वर ने दो बच्चे एक जैसे बनाए नहीं है। नेवर कंपेयर टू चिल्ड्रन। ये आप सही ढंग से समझो कि इस बच्चे में प्रतिभा क्या और उसका बहुत सुंदर टेस्ट है। ये जो जिस टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिस टेस्ट को करने के लिए मैं खामगांव गया था, उस टेस्ट को DMIT कहते हैं उसको, डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। वो टेस्ट आपको बताता है कि किस बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है। कुछ बच्चे देख के जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे सुन के जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे एक्टिविटी से जल्दी सीखते हैं। ये ज्ञान हमको बेसिक बच्चों के बारे में हो तो हम उसको सही ढंग से ब्रेन डेवलपमेंट का ज्ञान दे सकते हैं। तो ब्रेन को इंटेलिजेंट बनाने का एक ही तरीका है, ब्रेन ग्रोज बाय यूज। आप मैनेजमेंट का चैलेंज दोगे, कम्युनिकेशन का चैलेंज दोगे, प्रीफ्रंटल लेफ्ट ब्रेन डेवलप होगा। लीडरशिप का चैलेंज दोगे, प्रीफ्रंटल राइट ब्रेन डेवलप होगा। लैंग्वेजेस अलग अलग सिखाओगे, लॉजिक अलग अलग सिखाओगे, गणित उसको छोटी उम्र से सिखाओगे तो पोस्ट फ्रंटल लेफ्ट ब्रेन डेवलप होगा। ड्रॉइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब सिखाओगे तो स्पेशल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, राइट ब्रेन, पोस्ट फ्रंटल डेवलप होगा। उंगलियों से उसको सिखाओगे, कैलीग्राफी सिखाओगे, ड्रॉइंग पेंटिंग सिखाओगे, स्क्रिप्टिंग बहुत जल्दी कराओगे तो फाइन मोटर स्किल्स, उंगलियों पे कंट्रोल डेवलप होगा। ग्रॉस मोटर स्किल्स, उसको डांस सिखाओगे, जिम्नास्टिक्स सिखाओगे, स्विमिंग सिखाओगे। छोटे बच्चों को 2 साल से आप करा सकते हो और 4-5 साल की उम्र से स्पोर्ट्स में, गेम्स में उसको इन्वॉल्व करोगे तो ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होगी, पैराइटल राइट ब्रेन डेवलप होगा। उसको आप संगीत सुनाओगे बचपन से, पहले ही दिन से घर पे संगीत सुनाओगे तो सुन के समझने की क्षमता, सुर का ज्ञान डेवलप होगा, लेफ्ट ब्रेन टेम्पोरल डेवलप होगा।
आप उसको गीत गाना सिखाओगे, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दोगे, पब्लिक स्पीकिंग सिखाओगे, स्टोरी टेलिंग में रिपीट करने को बोलोगे, तो आवाज पे कंट्रोल, वो टेम्पोरल राइट ब्रेन डेवलप होगा। आप उसको ऑब्जर्वेशन के गेम्स दोगे तो ऑब्जर्वेशन ऑक्सिपिटल लेफ्ट ब्रेन डेवलप होगा। आप उसको इमेजिनेशन के विजुअलाइजेशन के एक्सरसाइजेस दोगे तो विजुअलाइजेशन से ऑक्सिपिटल राइट ब्रेन डेवलप होगा। ये ब्रेन के 10 हिस्सों को हम सही ढंग से डेवलप कर ले पहले 6 वर्षों में, आप किसी भी बच्चे को कितना भी इंटेलिजेंट बना सकते हो। तो आईक्यू पर 80% काम पहले 6 वर्षों में होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहले 3 वर्ष उन्होंने डाल दिए हैं नर्सरी और केजी और सीनियर केजी के, तो अब टीचर्स के वश में आ गई ये बात। पेरेंट्स को भी ट्रेन करना चाहिए हमको, और इस ढंग से आप बच्चों को बड़ा करो तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट की बहुत आगे बढ़ सकता है। एक और चीज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अभी उन्होंने एक और भी डाली, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोई भी स्ट्रीम कभी भी छोड़ सकते हो, कभी भी ज्वाइन कर सकते हो और स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। तो पहले तो 12th के बाद एक बार आदमी आर्ट्स में चला गया तो साइंस में आ नहीं सकता, साइंस में चला गया तो कॉमर्स में आ नहीं सकता। हमारे जमाने में तो ये बात थी, पर अब नई एजुकेशन पॉलिसी में क्रेडिट सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आप पढ़ते पढ़ते कभी भी पढ़ाई छोड़ सकते हो। 3 साल पूरे पढ़ लेना आवश्यक नहीं आपके लिए, 1 साल में डिप्लोमा होगा, 2 साल में एडवांस डिप्लोमा होगा, 3 साल में ग्रेजुएशन मिलेगा। तो कहीं भी छोड़ सकते हो, फिर कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। जितने क्रेडिट्स आपने कर लिए बाकी क्रेडिट्स आप बाद में कर लो, तो यू विल स्टिल बी गेटिंग ग्रेजुएशन। आर्ट से आप कॉमर्स में शिफ्ट हो सकते हो, कॉमर्स से साइंस में शिफ्ट हो सकते हो। तो आपके टैलेंट को यदि मैच नहीं कर रहा है आपका हायर एजुकेशन, और कहीं आपको लगता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, तो आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। ये आजादी, ये स्वतंत्रता नए एजुकेशन पॉलिसी में दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमने ये अब किया है। फिर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आपको टीचिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये, आप ध्यान रखिए टीचिंग का और लर्निंग का प्रोसेस क्या है। संस्कृत की बहुत सुंदर सुभाषितम है, 25% अध्यापक पढ़ाता है और स्टूडेंट सीखता है। लर्निंग का 25% टीचर सिखाता है और स्टूडेंट सीखता है। सेकेंड 25% स्टूडेंट स्वाध्याय से, स्वयं की पढ़ाई से सीखता है। थर्ड 25% जब वो स्टूडेंट दूसरों को सिखाने लगता है, तो तीसरा 25% वो सीखता है। और चौथा अंतिम 25% स्वकालीन, जब ग्रेस डिसेंट होगी, जब ईश्वर की कृपा होगी तो वो सीखेगा। पूरा ज्ञान सीखना ईश्वर की कृपा चाहिए, किसी भी विषय पे पूरी मास्टरी आना इसके लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। तो पहला 25% टीचर सिखाता है, स्टूडेंट सीखता है। दूसरा 25% स्टूडेंट स्वाध्याय से सीखता है। तीसरा 25% जब स्टूडेंट किसी और को सिखाने लगता है तो वो सीखता है एज ए टीचर बनकर। और चौथा 25% जब कृपा होती है ईश्वर की, तब ज्ञान पूरा होता है। ये लर्निंग की प्रोसेस है ऋषियों द्वारा दी गई। तो आपको जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में, कि भाई सब स्टूडेंट्स का एकेडमिक लेवल अलग है, उनकी आईक्यू अलग है, तो आप किस स्पीड से सिखाओगे। यदि आप हाईएस्ट जो आईक्यू है उस बच्चे के स्पीड से सिखाओगे, तो मीडियम और लोअर लेवल के आईक्यू वाले बच्चे छूट जाएंगे पीछे। यदि आप मीडियम स्पीड से सिखाओगे, तो जो सबसे हाई लेवल का आईक्यू वाला बच्चा है वो बोर होने लगेगा, और सबसे लो आईक्यू वाले जो लो छूट जाएंगे। और यदि आप सबसे लो लेवल वाले आईक्यू के बच्चों के स्टैंडर्ड से उस स्पीड से सिखाओगे, हाईएस्ट लेवल वाला तो सो ही जाएगा, मिडिल लेवल वाला भी बोर होने लगेगा, और आप पूरा पोर्शन कवर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी स्पीड बहुत स्लो हुई है। ये सबसे बड़ा चैलेंज टीचर्स के सामने होता है कि उनकी टीचिंग का लेवल किससे मैच होना चाहिए, हाईएस्ट आईक्यू वाले से कि मीडियम आईक्यू वाले से कि लोएस्ट आईक्यू वाले से। तो इसका एक बहुत सुंदर हमने प्रयोग करके तरीका तरीके मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ये तरीका। इसको हम 6-स्टेप मेथड कहते हैं। मान लो कि आप कोई विषय सिखा रहे हो, एक चैप्टर सिखा रहे हो अपनी क्लास में, और आपके क्लास में 25 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं। मान लो ये चैप्टर 12 पेज का है,
आप उन 30 बच्चों को पांच पांच बच्चों की 6 टीम्स में डिवाइड कर दीजिए और अपने 12 पेज के चैप्टर को दो दो पेज के 6 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। पहले 2 पेज एक टीम को दे दीजिए, दूसरे 2 पेज दूसरी टीम को दे दीजिए, तीसरे 2 पेज तीसरी टीम को दे दीजिए, चौथे 2 पेज चौथी टीम को दे दीजिए। ऐसे तो जो सबसे लो लेवल के आईक्यू के बच्चे हैं उन्हें पहले 2 पेज दीजिए, क्योंकि उनको दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है, पहले 2 पेज ही पढ़ना है। जो थोड़े ऊंची आईक्यू लेवल के हैं उनको तीसरा और चौथा पेज दीजिए प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उनको पहले 2 पेज भी पढ़ने पड़ेंगे और नेक्स्ट 2 पेजेस भी पढ़ने पड़ेंगे। फिर जो थोड़ी और ऊंची लेवल के हैं उनको आप पांचवा और छठा पेज दीजिए, फिर उससे ऊंचे लेवल को सातवां और आठवां पेज दीजिए, बहुत ऊंचे लेवल वालों को नौवां और दसवां पेज दीजिए, और जो मैक्सिमम हाईएस्ट इंटेलिजेंस वाले बच्चे हैं उनको ग्यारहवां और बारहवां पेज दीजिए, क्योंकि ग्यारहवां और बारहवां पेज प्रिपेयर करने के लिए उनको पहले 10 पेज पढ़ने और समझने पड़ेंगे। तो ऐसे आप 6 पोर्शंस में 6 टीम को अपना पूरा चैप्टर डिवाइड कर दीजिए। उनको ये कहिए कि आप ये पेजेस जो आपको दिए हैं इसको बहुत अच्छी तरह से आपको एज ए टीम प्रिपेयर करना है 5-6 लोगों को साथ में मिलकर, और प्रिपेयर करके आपको ये 2 पेजेस पूरी क्लास को सिखाने। तो पहले टीम्स में डिवाइड कर दीजिए, फिर चैप्टर को डिवाइड कर दीजिए, फिर उनको बताइए कि प्रिपेयर करेंगे और वो पूरी क्लास को वो 2 पेज सिखाएंगे। अब सिखाने के लिए उनको कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, साथ में मिलके सीखना है तो वो टीम वर्क करना पड़ेगा, साथ में मिलके सिखाना है तो टीम वर्क डेवलप होगा, आपस में कोऑपरेशन डेवलप होगा। ये तो साइड बेनिफिट्स हैं ही। फिर नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि जब बच्चे प्रेजेंट करें तब आप उनको सिर्फ फैसिलिटेट करो। पहले 2 पेज एक टीम प्रेजेंट कर रही है, करने दो, बाकी पूरी क्लास उनको प्रश्न करेगी, क्वेश्चंस पूछेगी, और वो जिस ढंग से समझाते हैं उनको समझाने दो, और यदि उनके पूरे समझाने में कहीं कोई गैप्स रह जाते हैं तो आप वो गैप्स फिल इन करो। यू जस्ट बी अ फैसिलिटेटर टू फिल इन द गैप्स। फिर एक टीम हो गई, फिर दूसरी टीम आकर अपना 2 पेज प्रेजेंट करेगी, बाकी लोग उनको क्वेश्चंस पूछेंगे, वो एज ए टीम सारे मिलकर उस क्वेश्चंस का जवाब देंगे, और उनको कहीं भी कोई हेल्प चाहिए, उनको कहीं कोई सपोर्ट चाहिए, या कहीं पे वो गलती कर रहे हैं तो टीचर फैसिलिटेट करेगा, मिसिंग लिंक्स को फिलअप करेगा, गैप्स को भर देगा। फिर तीसरी टीम को इन्वाइट करिए, वो अपने 2 पेज समझाएंगे पूरी क्लास को। समझाने के लिए उनको 75% सीखना पड़ेगा, पहले 25% वो स्टडी करेंगे, फिर 25% समझने का प्रयास करेंगे, और तीसरा 25% समझाने के लिए उनको उतना डेप्थ 75% सीखना पड़ेगा। आप केवल फैसिलिटेट करिए कि उनकी समझाने में जो कमी रह गई है उसको फैसिलिटेट करिए, उनका कम्युनिकेशन डेवलप होगा, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, उनका टीम वर्क बढ़ेगा, उनका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत डीप जाएगा। ऐसे 6 टीम्स अपने 2-2 पेजेस सारे के सारे वो प्रेजेंट करेंगे, और आप सिर्फ फैसिलिटेट करोगे, गैप्स को फिलअप करोगे, और पूरा चैप्टर जब समाप्त हो जाए तो आप सारे के सारे चैप्टर को एक बार समअप कर दोगे। सारी 6 की 6 टीम्स में यदि कहीं कोई मिसिंग लिंक्स रह गए हैं, यदि कहीं कोई विषय अधूरा रह गया है, यदि किसी बात को सही ढंग से समझाया नहीं है किसी टीम ने, या बच्चों की समझ में नहीं आया है, तो आप फिर पूरे चैप्टर को समअप कर दो। ये जो 6 स्टेप का सिस्टम है, यदि आप इसे लागू करोगे, कोई भी विषय आप हर लेवल के बच्चे को, लो आईक्यू, मीडियम आईक्यू, हाई आईक्यू, हर लेवल के बच्चे को उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, उनकी टीम स्पिरिट, टीम वर्क बढ़ा सकते हो, उनका कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो, उनका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत डीप जा सकता है। एक बहुत सुंदर प्रणाली है जिससे आप हर लेवल के बच्चे को एंगेज रख सकते हो, उसकी प्रतिभा का सही उपयोग कर सकते हो, उनमें ज्ञान तो दे ही सकते हो सब विषय का, उसके अलावा और दूसरी भी उनमें टैलेंट्स, टीम वर्क और कम्युनिकेशन और उनकी टीचिंग फैकल्टी, ये सारी चीजें, कॉन्फिडेंस, ये सब बढ़ा सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका, मैंने अपने स्कूल में इसको लागू किया और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं कहता हूं कि ये आप इस ढंग से कर सकते हो। एक और बात आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। बच्चों में एक रेज होती है लर्निंग की, दे वॉन्ट टू लर्न, पर यदि आप उनको स्नब कर देते हो, यदि उनके क्वेश्चंस को आप
बंद कर देते हो या उसको डांट डपट कर चुप कर देते हो, तो फिर वो दूसरी बार प्रश्न करने की उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगी। हर बच्चे में जन्म से लेकर 12, 13, 15 साल तक जब तक उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, तब तक देयर इज अ रेज टू लर्न, वो सीखना ही चाहता है। पहले शुरुआती बच्चों को तो आप खिलौना देते हो खेलने के लिए, और ब्रेन डेवलपमेंट के जो सबसे बड़े लेजेंडरी साइंटिस्ट हैं सारे विश्व के, जिनसे मैंने 3 बार सीखा है, फिलाडेल्फिया में प्रोफेसर ग्लेन डोमन है, मैं 3 बार वहां गया उनसे सीखने के लिए ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में। बहुत उनका सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट ये है, नो चाइल्ड हैज एवर प्लेड विद एनी टॉय एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इस सारे विश्व में कभी कोई बच्चा किसी खिलौने से खेला ही नहीं है। नो चाइल्ड हैज एवर प्लेड विद एनी टॉय। बच्चा क्या करता है जब आप उसको खिलौने देते हो, तो बच्चा क्या करता है, उसको देखता है पहले। वो वही 5 टेस्ट अप्लाई करता है तो कोई भी साइंटिस्ट अप्लाई करता है। पहले वो खिलौनों को देखता है, इसलिए खिलौने हमने चटकदार रंगों में बना के रखे हैं। फिर वो खिलौनों को खिलौने में आवाज सुनने की कोशिश करता है, इसलिए खिलौने अजीब अजीब प्रकार की आवाजें करते हैं। फिर वो खिलौने को टच करके देखता है, इसलिए खिलौनों में शार्प एजेस नहीं होते। फिर वो खिलौनों को चाट के देखता है, इसलिए खिलौने नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। फिर वो खिलौनों को सूंघ के देखता है, और इसलिए खिलौनों में कोई ऑर्डर, कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होती। ये 5 साइंटिफिक टेस्ट उसके 2 मिनट में पूरे हो जाते हैं। उसके बाद उसका एक ही टेस्ट बचता है, वो खिलौनों को नीचे पटक के तोड़ने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है जिसमें ये अजीब अजीब आवाजें आ रही है। और इसलिए हमने खिलौने अनब्रेकेबल बना दिए हैं। हर बच्चा हर खिलौने से केवल सीखता है, देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, सूंघकर या स्वाद चख के, वो केवल सीखता है। और एक बार सीखना हो जाए, वो खिलौना हटा देगा, उसको दूसरा खिलौना चाहिए, क्योंकि इस खिलौने से उसको जो सीखना था वो सीख चुका है। बच्चे सीखना चाहते हैं, उनके बहुत से प्रश्न होते हैं, और यदि आप उनके प्रश्न का, उनकी जिज्ञासा को आप स्नब कर दोगे, डांट डपेट के उसको चुप कर दोगे, तो यू आर कंप्लीटली किलिंग द क्यूरियोसिटी ऑफ चाइल्ड। अच्छी टीचरशिप है उनमें क्यूरियोसिटी जगाना, उनको सीखने के लिए प्रेरित करना, उनको प्रश्नों के लिए एनकरेज करना। एंड देयर इज नो सब्जेक्ट व्हिच कैन नॉट बी डिस्कस्ड बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, इवन बिटवीन अ पेरेंट एंड अ स्टूडेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड। कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पे आप बात नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ। प्रॉब्लम यह है कि हमारे दिमाग में स्वयं की गंदगी बहुत भरी हुई है, और इसलिए हम बच्चों को स्नब कर देते हैं। मुझे याद है मेरी बड़ी बेटी ने मुझे पूना से फोन किया था, 7-8 साल पहले की बात है ये, और घबरा के उसने कहा, पापा जी ये मेरी बड़ी वाली लड़की नंदिनी बहुत आजकल अजीब अजीब प्रश्न कर रही है। मैंने पूछा क्या अजीब प्रश्न करती है, उसने कहा पापा आज उसने मेरे से पूछा कि सेक्सी शब्द का क्या अर्थ है। मैंने कहा तुमने क्या उत्तर दिया, उसने कहा मैंने कह दिया ऐसी गलती बातें मेरे से मत करो। मैंने कहा इससे बड़ी गलती हो नहीं सकती, क्योंकि कह दिया उसको कि गंदी बातें मेरे से मत करो, अब उसको सेक्सी शब्द का अर्थ चाहिए तो किससे पूछेगी, और जिससे वो पूछेगी वो उसको सही अर्थ समझाएगा कि नहीं समझाएगा ये अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। उसने कहा पर मैं सेक्सी शब्द का अर्थ कैसे समझाऊं उसको। मैंने कहा उसमें प्रॉब्लम क्या है, 9-10 साल की थी वो बच्ची उस समय। मैंने कहा उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसने कहा नहीं आप मुझे समझाओ कि मैं कैसे समझाऊं। मैंने कहा तुम उसको कहो नंदिनी को कि नंदिनी तुम किसी पार्टी में चलती हो सज धज के ड्रेसअप करके मम्मा के साथ, तो मम्मा क्या कहती है कि तुम कैसे दिखती हो। तो नंदिनी बोलेगी कि मामा आप कहती हो कि नंदिनी बहुत प्रेटी दिख रही है। तो वो ये कहेगी तो केवल उसको ये समझाना है कि छोटे बच्चे सज धज के चलते हैं तो प्रेटी दिखते हैं, बड़ी स्त्रियां सज धज के चलती हैं तो सेक्सी दिखती। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, इतना डरना किस बात का है सेक्सी शब्द से। शब्द है जब भाषा में तो उसका अर्थ भी समझाना पड़ेगा, और बच्चों को सही ढंग से समझाना पड़ेगा। यदि आप उनको सही शब्द का गलत अर्थ समझाओगे तब तो आप गलत सिटीजन तैयार कर रहे हो।
कोई ऐसा विषय नहीं, हमारे स्वयं के मन में इतनी गंदगी भरी हुई है। एक पेरेंट एक दिन भाग कर आया मेरे पास स्कूल में, मैं स्कूल में बैठा था और पेरेंट भागता आया, सर चौराहे पे कितना गंदा गाना बज रहा है। मैंने कहा क्या गंदा गाना बज रहा है चौराहे पर? उसने कहा चौराहे पर गाना बज रहा है, चोली के पीछे क्या है? मैंने कहा चोली के पीछे एक मनुष्य है, एक इंसान है, और क्या है? में गंदगी भरी है, तुम वो उस गंदगी से परेशान हो। हमको देखिए दुनिया में तो सही गलत अच्छा बुरा सब कुछ है, हमको अपने बच्चों को हर परिस्थिति को, हर शब्द को, हर गीत को, हर परिस्थिति को सही ढंग से समझने का ज्ञान देना चाहिए। अखबारों में तो रेप और मर्डर के सिवाय कुछ आता ही नहीं है, टीवी पर रेप और मर्डर के सिवाय कुछ आता ही नहीं है, धरने और हड़ताल के सिवाय कुछ आता ही नहीं है। तो उनको इन सारी नेगेटिव बातों को सही ढंग से देखने का ज्ञान आपको देना है, और वो तभी संभव है जब आप उनको सही ढंग से देखने की कला सीख जाओ एज ए टीचर। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं ग्रो करें। एनकरेज देयर क्वेश्चंस, नेवर स्टॉप देयर क्वेश्चंस। एनकरेज देम टू शेयर अबाउट देयर फेलियर्स, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अच्छी टीचरशिप ये है कि एनकरेज योर चाइल्ड टू शेयर हिज फेलियर्स, योर स्टूडेंट टू शेयर हिज और हर फेलियर्स, स्ट्रगल। क्योंकि जहां वो स्ट्रगल कर रहा है, जहां वो फेल हो रहा है, वहां उसको सबसे अधिक टीचर की और पेरेंट की सहायता की आवश्यकता है। दिस इज गुड टीचरशिप। और सबसे अंत में महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, जो लॉर्ड मैकॉले ने अत्याचार किया है भारतीय एजुकेशन सिस्टम के साथ, जो उन्होंने इस पूरी जनरेशन के मन में यह बात डाली है कि केवल अंग्रेजी का ज्ञान बुद्धिमानी की निशानी है, ये मूर्खता उनके मन से निकालनी है। उनमें अपने हिंदुस्तानी होने के प्रति गर्व आपको डालना है, अपने कल्चर के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति उनको अभिमान आपको देना है। और ये तभी संभव है जब आप अपनी संस्कृति की सारी बातें सीखो, उसके पीछे का विज्ञान समझो, और वो विज्ञान आप बच्चों को सही साइंटिफिक भाषा में सिखाओ। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है आज की टीचरशिप की। मैं किसी शादी में गया था और वहां पर हमारी मारवाड़ी शादियों में कुम्हार का जो चक्का होता है, वाटर का जो चक्का व्हील होता है जिसमें आप मटका बनाता है कुम्हार, उसकी पूजा करते हैं। तो एक लड़की ने मुझसे पूछा वहां पर कि ये विवाह में चाक की पूजा क्यों होती है, कुम्हार के हम कुम्हार को बुलाते हैं और उसके चक्के की पूजा करते हैं। मुझे पता नहीं, शायद महाराष्ट्रियंस में कुछ और होता होगा ऐसा ही सिमिलर, पर ये हमारी शादियों में होता है। तो उस लड़की ने पूछा मुझसे कि ये चाक की पूजा क्यों करते हैं, और मैंने कहा उससे चाक कुम्हार का इंस्ट्रूमेंट है, क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट है, और विवाह स्त्री और पुरुष के क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स का सेलिब्रेशन है। वो दोनों आज से साथ रहने वाले हैं, वो परिवार को आगे बढ़ाएंगे, तो क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट की पूजा के रूप में, उसकी श्रद्धा के रूप में ये सिंबॉलिक पूजा होती है। एक पेरेंट ने मुझसे पूछा कि मुंडन हम क्यों करते हैं, बाल क्यों निकालते हैं, और मैंने कहा उससे कि बाल हम एक साल की उम्र में निकालते हैं, छोड़ संस्कार के सिस्टम में इसको चूड़ा कर्म संस्कार कहा गया है और ये बहुत साइंटिफिक है। एक साल की उम्र में बच्चा दो पैरों पर खड़ा हो जाता है, उसके पहले वो रेंगता है या घुटनों के बल चलता है, और जब तक बच्चा रेंग रहा है या घुटनों के बल चल रहा है, तो सब ब्लड ब्रेन में जाता है, प्रेशर बहुत होता है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। जब बच्चा दो पैरों पे खड़ा हो जाता है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड परपेंडिकुलर हो गई है जमीन को, अब उसको अगेंस्ट ग्रेविटी जाना पड़ेगा, ब्रेन में अब ब्रेन की डेवलपमेंट होगी। और लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च है, जब ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू होती है एक साल की उम्र में, तब यदि विटामिन डी दिया जाए ब्रेन को, तो ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगी। जब आप बाल निकाल देते हो बच्चे के एक साल की उम्र में, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से डायरेक्टली मिलने लगती है, ब्रेन डेवलपमेंट तेज होता है। 2 महीने लगेंगे बाल उगने में, तब तक उसके ब्रेन को जितना विटामिन डी चाहिए वो मिल जाएगा। हमारी हर प्रथा के पीछे बहुत महत्वपूर्ण साइंस है, विज्ञान है, ये समझाना चाहिए हमको बच्चों को।
मैं एक बच्चों की गर्ल्स स्कूल में गया था किसी लेक्चर के लिए, वहां मैंने देखा 90% लड़कियों के माथे पे बिंदी नहीं थी, और मैंने पूछा उनको कि बिंदी क्यों नहीं लगाई, तो बच्चियों ने कहा कोई नहीं लगाता, फैशन नहीं है। मैंने कहा बिंदी कोई फैशन वाली चीज है क्या? तो बच्चों ने पूछा मुझसे, बच्चियों ने, कि वो फैशन वाली चीज नहीं है तो क्या है फिर बिंदी? मैंने कहा बिंदी बहुत साइंटिफिक है, तिलक बहुत साइंटिफिक है, ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, एनर्जी यहाँ तीसरी आंख पे क्रॉस होती है, इसलिए हम बिंदी लगाते हैं इस सेंटर को ठंडा रखने के लिए। और इसलिए ऋषियों ने कहा कि बिंदी या तो कुमकुम की होनी चाहिए जो हल्दी से बनता है, जो एंटीसेप्टिक है, या चंदन की होनी चाहिए जो कूलिंग एजेंट है। पर अब टीवी सीरियल्स देख देख के हम सांप भी लगा रहे हैं, बिच्छू भी लगा रहे हैं, छुछुंदर भी लगा रहे हैं। तो ये कल्चर आपको अपने भारतीय होने का गर्व उनको देना चाहिए, हमारी संस्कृति का गर्व उनको देना चाहिए, हमारी संस्कृति के हर पहलू को, हर रीति को, हर रिवाज को वैज्ञानिक ढंग से स्टडी करके हम उनको समझाएं अपने बच्चों को, और उनमें गर्व दें कि वो भारतीय हैं। उनको इस बात का गर्व होना चाहिए कि उनके पास इतने संस्कार है, इतना ज्ञान है, इतना उनके पास रिचनेस है हमारी संस्कृति में, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान हमारी संस्कृति में, ये देना उनको, अपने हिंदुस्तानी होने का, अपने भारतीय होने का गर्व देना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात टीचर के लिए और पेरेंट्स के लिए। अंत में मैं एक अपनी बात कबीर के दोहे से समाप्त करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात कबीर ने गुरु और शिष्य के बारे में कही, गुरु कुम्हार है शिष्य कुंभ, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। बहुत सुंदर बात है, गुरु कुम्हार है, गुरु इज ए पॉटर, टीचर इज ए पॉटर, शिष्य कुंभ, शिष्य इज ए पॉट, मटका है शिष्य, गुरु कुम्हार है शिष्य कुंभ, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, उसको गढ़ गढ़ के गुरु खोट निकालता है, सुंदर बनाता है मटके को, बिल्कुल गोल शेप देता है, गढ़ गढ़ के उसको शेप देता है। और कैसे गढ़ता है गुरु? अंतर हाथ सहार दे, अंदर से मटके को सपोर्ट करता है, और बाहर मारे चोट, बाहर से उसको डिसिप्लिन करता है, अनुशासन देता है। तो स्टूडेंट की स्ट्रगल में प्यार से, सपोर्ट से, प्रसन्नता से, उसको कॉन्फिडेंस देकर उसको सपोर्ट देना चाहिए। अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, जहां भी उसके व्यवहार में कोई कमी दिखे, उसके अनुशासन में कोई कमी दिखे, उसको बाहर से डिसिप्लिन करके, अनुशासन देकर, दंड देकर भी उसको डिसिप्लिन करना चाहिए। ये टीचरशिप है, गुरु कुम्हार है शिष्य कुंभ, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। थैंक यू वेरी मच। ये 2 घंटे का समय जो हमने साथ बिताया, यदि इससे आपकी सोच में कोई परिवर्तन आया हो, यदि आपकी टीचरशिप थोड़ी सी बेहतर हो जाए, यदि आपके हाथों से एक स्टूडेंट थोड़ा और बुद्धिमान, थोड़ा और इंटेलिजेंट होकर निकले, तो मुझे लगेगा कि मैंने सपने अपना 2 घंटे का समय अच्छे काम में लगाया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न हो कुमार तो मुझसे पूछ लो। मैं पूछूं? वंडरफुल, इट ऑलवेज अमेजेस यू रमेश, हाउ यू कीप अप टू योर इमेज एवरी टाइम आई लिसन टू यू आई लर्न न्यू थिंग्स, एंड आई एम वेरी श्योर कि इस तेरे व्याख्यान से हमारे टीचर्स को उनका रोल और उनके वोकेशन की जो स्कोप है वो अच्छा समझ में आया हो। मेरे को एक ही सवाल पूछना है क्योंकि वक्त अभी कम है थोड़ा। कैन यू इलेबोरेट ऑन एनहांसिंग लॉजिकल स्किल्स, क्योंकि वो बहुत छोटे इसमें कंक्लूड किया तूने, तो इफ यू कैन। हाँ प्लीज प्लीज। आप 6 महीने के बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, मिक्स्ड इक्वेशंस, इक्वेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब सिखा। आप 3री 4थी 5वीं क्लास तक जो गणित सिखाते हो वो आप 6 महीने के 8 महीने के बच्चे को सिखा सकते हो। यदि आप नंबर्स पे नहीं जाओ, क्वांटिटी से सिखाओ, क्योंकि क्वांटिटी हर बच्चे को समझ में आती है, नंबर समझ में नहीं आते हैं। आप उसको 257 लिख दो, उसको लगेगा कोई ड्राइंग कर रहे हो, 257 ये कोई अलग शेप है बस, ही डजंट नो व्हाट इज 7 व्हाट इज 5। क्वांटिटी से यदि आप सिखाओ,
आप एक साल के एक बच्चे को एक चॉकलेट दो, उसकी 3 साल की बहन को 2 चॉकलेट दो, वो सारा घर सर पे उठा लेगा, क्योंकि उसको पता है 2 is more than 1. He understands quantity. He doesn't understand numbers. अगर आप 2 is greater than 1 ऐसा लिखोगे पेपर पे तो समझते समझते उसको 5-10 साल लग जाएंगे. 2 is greater than 1 ये समझने में इक्वेशन उसको 10 साल लगेंगे. पर यदि आप उसको एक चॉकलेट दोगे और उसकी बहन को 2 चॉकलेट दोगे, वो इमीडिएटली समझ जाएगा. चाइल्ड लर्न्स विद क्वांटिटी. क्वांटिटी इज रियल, नंबर्स आर सिंबॉलिक. तो मैथ सिखाना चाहिए छोटी से छोटी उम्र में. जितनी कम उम्र में आप उसके ब्रेन की फैकल्टीज को यूज करना शुरू करोगे, उतना अधिक ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट होगा. तो आप छोटे बच्चे को कम उम्र में क्वांटिटी से गणित सिखाओ. उसका मेथड है, डॉट कार्ड्स करके, फ्लैश कार्ड्स आते हैं जिसको डॉट कार्ड्स कहते हैं. ये सिस्टम उस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया जहां से मैं ब्रेन डेवलपमेंट सीख के आया हूं, ग्लेन डोमन ने. आप ग्लेन डोमन सर्च करो नेट के ऊपर, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मटेरियल अबाउट ब्रेन डेवलपमेंट. और उसका मेथड है ये, टीचिंग मैथ्स टू ए बेबी विथ डॉट कार्ड्स, विथ क्वांटिटी एज ए कॉन्सेप्ट. तो यहां से सिखा सकते हो. 3-4 साल में उसको जब थोड़ा मैथ्स आ जाए, जब आप उसको एबैकस सिखा सकते हो, वैदिक मैथ्स सिखा सकते हो, या मैथमेटिकल लॉजिक टू डेवलप. अब साइंटिफिक लॉजिक यदि आपको डेवलप करना हो, तो आप एक एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज सिखा सकते हो. एक साल के बच्चे को 200 देशों के झंडे पहचानना सिखा सकते हैं. आप 2 साल की उम्र में उसको हर देश की भाषा, रिलीजन, पॉपुलेशन, वहां के इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, लीडिंग स्पोर्ट्समैन, लीडिंग पॉलिटिशियंस, वर्ल्ड लीडर्स, इन सब के बारे में आप सिखा सकते हो थ्रू एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज कार्ड्स. 3-3.5 साल की उम्र में आप बच्चे को चेस खेलना सिखा सकते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक लॉजिक. चेस में नंबर्स नहीं होते तो साइंटिफिक लॉजिक डेवलप होता है. गणित में नंबर्स होते हैं, वहां नंबर लॉजिक डेवलप होता है, मैथमेटिकल लॉजिक डेवलप होता है. तो ये तरीका है. लॉजिकल पजल्स दे सकते हो, लॉजिकल गेम्स दे सकते हो. ये सारे जितना आप ब्रेन की लॉजिकल फैकल्टी को जितनी कम उम्र में यूज करोगे, उतना अधिक ब्रेन का लॉजिकल फंक्शन तेज होगा. ब्रेन ग्रोज बाय यूज. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट ब्रेन.